अपने घर के बाहर अनशन पर बैठे कपिल मिश्रा के ऊपर आज एक अचानक हमला हो गया। खुद को आप कार्यकर्ता बताने वाले अंकित भारद्वाज नाम के एक शख्स ने अचानक कपिल मिश्रा पर हमला कर दिया, जिसके बाद उस शख्स को पकड़ लिया गया और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा पर बुधवार को हमला हो गया। वो बुधवार को अपने घर के बाहर अनशन पर बैठे थे, इसी दौरान वहाँ एक शख्स आया और उन्हें लात घूंसे मारने लगा। वहीं आपको बता दें, कपिल मिश्रा केजरीवाल के ऊपर 2 करोड़ की घूस लेने के आरोपों के चलते आज सुबह अपने घर के बाहर अनशन पर बैठे थे, जिसके चलते ये हमला हुआ। हमला करने वाले शख्स का नाम अंकित भारद्वाज बताया जा रहा है और इस घटना के बाद वहां मौजूद कपिल मिश्रा के समर्थकों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। हमले के बाद कपिल ने कहा कि एक लड़के ने मेरे पर हमला किया, हमारे ऊपर कोई हमला करे तो करने देंगे, हमारे लोग उस पर हमला ना करें, अगर ऐसा हुआ तो मैं पानी भी छोड़ दूंगा। वहीं कपिल मिश्रा लगातार ये कहते आ रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उसके बाद अब ये हमला हुआ है, तो क्या ये सच है कि कपिल मिश्रा की जान को खतरा है? क्योंकि अब ये देखना होगा आने वाले समय में। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषभ के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।